उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं लोयन निवारण आयोग ने दो राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण के अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में सबसे अधिक अस्थायी पलायन तीन जिलों से हुआ है। अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से लोगों ने अस्थायी पलायन किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि देहरादून, चंपावत और बागेश्वर के गाँवों से सबसे कम पलायन हुआ है, जबकि हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक से सबसे कम लोगों ने पलायन किया है। बता दें कि देहरादून, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी पलायन पर अंकुश लगा है। वहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अस्थायी पलायन का प्रभाव अधिक होने के आंकड़े भी मिले हैं। वेस्ट ने बताया कि उधम सिंह नगर में देहरादून से सबसे कम अस्थायी पलायन हुआ है। स्थायी पलायन के मामले में भी अल्मोड़ा, टेहरी गढ़पाल और पौड़ी गढ़पाल ही सबसे आगे है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में है और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2018 से 22 तक की जो पलायन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जनपदों से पलायन बड़ी भारी मात्रा में हुआ है। यहाँ से बड़ी भारी संख्या में गांव के गायों मानव रहित हो रहे हैं, जो राज्य के लिए बड़ी समस्या के रूप में है। और पलायन अगर इसी रफ्तार से राज्य में होता रहा तो एक न एक दिन उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन का भी खतरा पैदा होगा, और गांव के गांव जब इसी तरह लोगों से खाली होते रहेंगे तो उत्तराखंड के विकास पर और निश्चित तौर पर जो है सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी चुनौती के रूप में ये बात सामने आ रही है।